स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात शामिल कर लेते हैं। कई बार स्वामी जी, लोगों को सर्दी, बुखार, जुकाम जब होता है तो लिम्फ नोड्स जो हैं वो सूज जाते हैं। इन्फेक्शन से बनी इन गांठों को ठीक करने का क्या उपाय होता है? अक्सर जो है कान के आसपास होती है, यहाँ पे पीछे की तरफ, गले में भी, गले में, ये यहाँ तक है जी। इसके लिए क्या करें? इसके लिए स्वासारी, क्वाथ और पंचकोल उबाल करके पी लें। चित्रक चव्य सोंठ, पीपल, पीपला मूल, इसको पंचकोल कहते हैं। और ये श्वासारी, श्वासारी और ये हम रोज बताते रहते हैं, ये सारे काढ़े आज भी मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये श्वासारी और पंचकोल, इसको उबाल करके पी लें। और साथ में त्रिकुटा, सितुपलादि या श्वासारी पाउडर शहद के साथ चाट लें। हल्दी दूध के साथ ले लें 2 ग्राम हल्दी। एक बात बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ, 1 से 2 ग्राम हल्दी दो खाली पेट खाएंगे, जिंदगी में कभी भी उनको कोई भी गठान नहीं होगी। ये इतनी बड़ी बात है, 1 से 2 ग्राम अपनी प्रकृति के अनुसार। जो खाली पेट हल्दी खा लेंगे जिंदगी में कभी गांठ ही नहीं बनेगी। और ये लिम्फ नोड जिसको जाते हुए दूध में हल्दी, थोड़ा सिलाजी, कपाल भाते, अनुलोम विलोम करें। और ठंडे गर्म पानी का याद रखना, ठंडे और गर्म पानी का जो सेक होता है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ठंडा और गर्म पानी से सेक करने से वो गांठ अपने आप डिजोल्व हो जाती है। मिट्टी का लेप लगाने से, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा के, एलोवेरा हल्दी, एलोवेरा और हल्दी मिला करके और यहाँ लेप लगा दिया गले में और बैठ करके प्राणायाम करा दिया, 3 से 7 दिन के अंदर ही लिम्फ नोड खत्म हो जाते हैं। इतना जबरदस्त है। और बहुत शानदार स्वामी जी, गोल्ड और वो बता दिया मैंने, सिस्टोग्री बिल्कुल, काचनार, गुगुल और ये।